बाप बेटा, अब उसे माफ कर दो। मैं सफिया को जबान दे चुका हूं, मुझे शर्मिंदा ना होने देना बेटा। दास क्यों? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे। अरे पगली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतनी जतन और हालात वाकयात के बाद सूरत हाल यहाँ तक पहुंची। ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश नहीं थी, हम सबकी दिली ख्वाहिश थी। हम सब खुश हैं तो तुम्हें भी खुश होना चाहिए। क्या करूं अम्मी, मेरी खुशी को हमेशा नजर लग जाती है। किसी की नजर नहीं लगी, सब कुछ ठीक हो। मुझे नहीं लगता, बिगड़ी हुई चीज कभी ठीक नहीं होती। अरे बेटा, मायूसी गुनाह है। सब कुछ ठीक तो है, और कैसे ठीक हो? मेरा दिल मतमईन नहीं हो रहा बेटा। खाम का तुम्हें खदशात में घेर रखा है। जुनेद को अपनी गलती का एहसास हो गया, और रही बात सफिया बहन की, वो तो शुरू दिन से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती थी, तो अब डर किस बात का? अपने दिल का। अब तुम्हारे दिल को क्या हो गया? ये उस तरफ मायल नहीं हो रहा। देखो बेटा, जब दिल मायूसी की बातें सोचता है ना, तो डर सा जाता है। अपने दिमाग को खदशात से पाक कर, फिर देखना, दिल खुद ब खुद तुम्हारी मर्जी की तरफ ढल जाएगा। कोशिश करूंगी। चलो शाबाश, आज तुमने अतिया की तरफ जाना था। हाँ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, बार बार फोन कर रही है, तुम उसका फोन नहीं उठा रही। तुम मेरा फोन नहीं उठा रही। हाँ तो बेटा, फोन ऑन करो। मैडम फारूकी से जो वादा किया था वो पूरा करो। अपनी वादा तो किया था, मगर अगर मगर कुछ नहीं, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। और हाँ, मैंने अतिया को कुछ नहीं बताया, ये खुशखबरी तुम ही जाकर सुनाओ। चलो जाओ मेरा बेटा, तैयार हो जाओ। एक जरा सी